इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि व्हाई लोअर बैक फील्स सोर आफ्टर परफॉर्मिंग इंक्लाइंड लेग प्रेस। इंक्लाइंड लेग प्रेस जब हम परफॉर्म करते हैं लोअर बैक में क्यों सोरनेस फील करते हैं। मेनली देयर इज अ टू रीजन। वन इज योर लंबर स्ट्रेन स्ट्रेन। लंबर स्ट्रेन स्ट्रेन होने की वजह से आपका लोअर बैक में सोरनेस फील होता है। एंड नंबर टू इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्क्वीज होने की वजह से भी आपका लोअर बैक में सोरनेस फील होता है। देयर इज अ टू रीजन। इस चीज को डीपली समझते हैं। लंबर स्पाइन किस एरिया को बोला जाता है पहले समझते हैं। जो L1 to L5 एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड में उसको बोला जाता है लंबर स्पाइन। L1 to L5 एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड एज लंबर स्पाइन एरिया। एंड जो ये पार्ट दिख रहा है स्पाइन में L1, L2, L3, L4, L5 जो पार्ट दिख रहा है उसको वर्टिब्रा बोला जाता है। एंड वर्टिब्रा का बीच में जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। तो ये जो वर्टिब्रा होता है, ये वर्टिब्रा में कोई भी जब डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी आउटर फोर्स की वजह से या किसी एक्सरसाइज की वजह से कोई डिस्टर्ब होता है वर्टिब्रा एंगल में, कोई डिस्टर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड लंबर स्पाइन स्ट्रेन। लंबर स्पाइन स्ट्रेन होने की वजह से आपका लोअर बैक में सोरनेस फील होता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लंबर स्पाइन स्ट्रेन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आपका जो लेग प्रेस मशीन होता है, इंक्लाइन लेग प्रेस मशीन होता है, इसमें एक एल टाइप सीट मिलता है। आपका पेल्विक एरिया या आपका जो रूट्स एरिया होता है ये एल टाइप सीट के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे ही आपका पेल्विक एल टाइप सीट के साथ अटैच होता है, आपका जो लंबर स्पाइन एरिया होता है L1 to L5 ये स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आप लंबर स्पाइन स्ट्रेन मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड रीजन इज स्क्वीज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस मशीन में जब आप कोई सर्टन वेट कैरी करते हैं, आपका लेग में जब कोई सर्टन वेट कैरी करते हैं, तो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में वो वेट को पुश करना पड़ता है। देन आफ्टर जब वेट डाउनवर्ड कंडीशन में रिटर्न होता है, सेम वेट को आपका बॉडी सस्टेन करना चाहिए। ओके, दैट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। सेम वेट आपका बॉडी सस्टेन करना चाहिए। सपोज आप 100 किलो पुश कर रहे हैं तो 100 किलो आपका बॉडी सस्टेन करना चाहिए। जब आप कोई वेट को पुश कर रहे हैं, देन आफ्टर जब वेट रिटर्न आता है फुल रेंज ऑफ मोशन में, तो आपका बॉडी वो वेट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉडी बाउंस होता है, बैकवर्ड बाउंस होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरह आपका बॉडी बाउंस होता है। बिकॉज ऑफ जो वेट आपने कैरी किए हैं वो वेट आपका बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब तो पुश तो कर दी 100 किलो, बट रिटर्न होने के टाइम में आपका बॉडी 100 किलो को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि एक कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन में आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना है एंड बॉडी का स्टेबिलिटी इंक्रीज करना है। जैसे ही आप एक कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन में आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, आप बॉडी जो बाउंस होता है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं।